वेलकम यू ऑल इन TRLSS वीडियो लेक्चर्स। और इस वीडियो लेक्चर्स में आज हम लोग इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं गेट 2017 में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्विक रिवीजन क्लासेस आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब गेट के प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चंस आप देखोगे किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना अप्लाई करना है, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम लोग क्वेश्चन को पहले समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कैचमेंट इज आइडियलाइज्ड एज ए 25 किलोमीटर बाय 25 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कैचमेंट जो है उसका जो डायमेंशन जो कंसीडर किया गया है वो है हमारा 25 किलोमीटर, मतलब ये डायमेंशन 25 किलोमीटर है और ये डायमेंशन 25 किलोमीटर है। उसके बाद क्या बोला गया है कि इट हैज फाइव रेन गेज, पांच रेन गेज है। रेन गेज का यूज होता है प्रेसिपिटेशन को मेजरमेंट्स करने के लिए। प्रेसिपिटेशन मतलब जो बारिश होता है उसको हम मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेन गेज डिवाइस, जो बताया गया कि इस कैचमेंट में पांच डिवाइस को लोकेट किया गया। उसमें बताया गया वन एट ईच कॉर्नर, मतलब हमारा जो कैचमेंट है उसके चार कॉर्नर्स हो गए, तो चारों कॉर्नर में एक एक मतलब रेन गेज है एंड वन एट सेंटर, मतलब एक रेन गेज हमारा सेंटर में। तो क्वेश्चंस को समझना काफी जरूरी है। तो कैचमेंट हमारा स्क्वायर हो गया और रेन गेज फाइव हो गए। तो फिर इसमें क्या पूछा गया, ये बोला ड्यूरिंग ए मंथ द प्रेसिपिटेशंस एट दिस गेजेस इज मेजर्ड एज, ये पांचों जो रेन गेज है वहां पर प्रेसिपिटेशंस को मेजर किया गया है। जैसे फर्स्ट रेन गेज में 300 mm है, सेकेंड रेन गेज में 285 mm है, थर्ड रेन गेज में 270 mm है, और फोर्थ रेन गेज में 290 mm, और फिफ्थ रेन गेज में 288 mm प्रेसिपिटेशन को मेजरमेंट किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि द एवरेज प्रेसिपिटेशन, क्वेश्चन पूछा द एवरेज प्रेसिपिटेशन इन मिलीमीटर अप टू 1 decimal प्लेस ओवर द कैचमेंट दिस मंथ बाय यूजिंग द थिसिन पॉलीगन मेथड। तो इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि थिसिन पॉलीगन मेथड का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो थिसिन पॉलीगन मेथड है उसका जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं लोग। जैसे पी एवरेज मीन प्रेसिपिटेशन निकालने का, P1A1 प्लस P2A2 P3A3 P4A4 P5A5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द एरिया A1 A2 A3 A4 A5। तो P1 P2 P3 P4 P5 जो है वो हमारे जो रेन गेज हैं वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन वैल्यूज हैं वो हैं। तो वो सारा गिवन ही है, मतलब P1 P2 P3 P4 P5 में वैल्यूज हमारा गिवन है। तो यहाँ पर जो समझना है A1 A2 A3 और A4 और A5 को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए बता दें कि इसमें जैसे हम लोग सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जितने भी रेन गेज है थिसिन पॉलीगन मेथड्स में जो एरिया है A1 A2 A3 A4 A5 जो है वो फाइंड आउट करने के लिए एक ट्रायंगुलर नेटवर्क बनाना पड़ता है, मतलब जितने भी स्टेशन हैं सबको आपस में कनेक्ट करेंगे, मतलब जैसे इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिए एक ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर नेटवर्क बन गया। पहला काम तो यही है ट्रायंगुलर नेटवर्क बना दिए सारे स्टेशन को कम्बाइंड करके। उसके बाद जितने भी ट्रायंगल्स बने हैं हर एक के साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को लेना है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इसका अगर हम लोग देखें ये मिड पॉइंट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो है हर एक साइड्स के लेने, तो कुछ इस तरीके से ये एरिया जो है शेडेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जो पोर्शन सराउंडेड है हमारा, मतलब ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगुलर नेटवर्क, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जितने भी थे उसको ड्रॉ कर लिए, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस साइड के लिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है इस साइड के लिए है। उसके बाद ये नेटवर्क बन गया। तो G1 G2 और G3 और G4 के लिए जो एरिया हमारा है वो इस ये है हमारा, ठीक है ना। तो G1 G2 G3 4 के लिए एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले ये डायमेंशन जो कि 25 किलोमीटर है, तो मिड पॉइंट अगर हम लोग ले ले ये 25/2 हो जाएगा, ये 25/2 किलोमीटर, ये भी डायमेंशन हमारा
25/2 किलोमीटर 25/2 किलोमीटर। तो इस तरीके से अगर कोई एक ट्रायंगल ले ले OAC ले लेते हैं, OAC ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल अगर हम लोग बना ले तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, 90 डिग्री हो गए। और इसका जो डायमेंशन है 25/2 है, ये डायमेंशन 25/2 है। तो एक ट्रायंगल में अगर हम लोग को बेस और हाइट अगर पता हो तो एरिया सिंपली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया निकालने का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू 25/2 और 25/2 कर लेंगे तो 625/8 हो गया। तो जब 625/8 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 78.125 किलोमीटर स्क्वायर। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो G1, G2, G3, G4 ये सारे स्टेशंस के लिए जो एरिया है, क्योंकि ये पोर्शन से इक्वली होंगे, तो कहने का मतलब हमारा हम लोग का A1, A2, A3 और A4 ये चारों वैल्यूज जो आ गए हमारे 78.125 किलोमीटर स्क्वायर आ गया। तो हम लोग ये फाइंड आउट कर लिए है ना, कि उसके बाद हम लोग को एक स्टेशन G5 का एरिया फाइंड आउट करना है। तो G5 का एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो ये एरिया G5 का है, तो इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो एक हमारा पूरा जो है ये हो गया स्क्वायर, मतलब A5 अगर निकालना है हम लोग को तो पूरे स्क्वायर का एरिया करेंगे, मतलब 25 × 25 कर लिए। उसमें से ये चारों अगर ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये बीच का जो पोर्शन है तो उसका एरिया हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब 4 × 78.125 अगर कर देंगे तो हमारा ये एरिया आ जाएगा 312.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूला में जो रिक्वायरमेंट्स था वो हम लोग फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद ये सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे फार्मूला को, तो ये समझ में आ गया कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि किस तरीके से फॉर्मूले में, तो ये वैल्यूज हमारे लिए यूजफुल है और A5 का जो वैल्यूज है वो यूजफुल है। तो इस तरीके से जब पी एवरेज निकालेंगे तो P1A1 मतलब फर्स्ट, मतलब P1A1, P2A2, P3, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो A1, A2, A3, A4 सारे सेम ही वैल्यूज हैं, तो 78.125 को कॉमन ले लेंगे। और पहले स्टेशन का प्रेसिपिटेशन 300 mm है, दूसरे स्टेशन का प्रेसिपिटेशन 285 है, और थर्ड जो रेन गेज है वहाँ का प्रेसिपिटेशन 270 है, और फोर्थ रेन गेज जहाँ पर है वहाँ 290 है, प्लस P5 मतलब फिफ्थ रेन गेज मतलब बीच में जो है उसका 288 है प्रेसिपिटेशन, और इसका एरिया 312.5 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया करना है। तो चूंकि स्क्वायर है तो सिंपली 25 × 25 कर देंगे। तो इस तरीके से अब ये कैलकुलेशन पार्ट हो गए, तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एवरेज प्रेसिपिटेशन का वैल्यू जो आ जाएगा 287.375 होंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग समझे किस इन पॉलीगन मेथड्स का यूज समझ में आया हम लोग को। तो कोई भी डाउट्स हो, कोई कमेंट्स हो तो आप कर सकते हो, ताकि आपके जो क्वेरीज है उसको हम सॉल्व कर सकें और आप गेट प्रिपरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकें। थैंक यू।